एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज की वीडियो में बायोलॉजी की पार्ट 3 में हम स्टार्टिंग फैक्ट से करेंगे। एक व्यक्ति थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में पौधों की 5900 जातियों का वर्णन किया और सिस्टेमा नेचुरी में जंतुओं की 4326 जातियों का वर्णन किया है। ये दोनों फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि जीवों को किस तरह वर्गीकृत किया जाता है। अब वो देखते हैं उन वर्गों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण यानी उनके दृश्य गुणों के आधार पर जीवों को जब वर्गों में बांटा जाता है उसे कहते हैं वर्गीकरण। अब हम प्रत्येक वर्ग को, ये 7 वर्ग हैं, अब इनको फुल एक्सप्लेन करेंगे हम और उसको रीड करेंगे और उसके साथ में नोट्स बनाएंगे। ओके, अब वर्गीकरण किया क्यों जाता है? वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको अलग अलग बांटना, वो ही अगर साधारण भाषा में कहें तो वो ही वर्गीकरण कहलाता है। ओके, हम देखिए कि विशेषीकरण पहचान और नामकरण पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम है जो वर्गीकी के आधार है। यानी जितने भी होगी मैंने लाइन बोली है वो उसके आधार है। यानी हम उसके नाम से उसको बांटेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हम, मैंजिफेरा इंडिका, ये तो है हमारे पास आम का, ये आम का बोटेनिकल नेम है। तो पहला नाम तो ये वंस का हो गया और दूसरा हो गया जाति का। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये। अगर दूसरी बात है कि कई कई वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये तो हो गया आलू का वैज्ञानिक नाम। और एक और हम लेते हैं सोलेनम मेलोंजिना, ये हो गया बैंगन का। अब इन दोनों में पहला नाम किसको इंडिकेट करते हैं? वंस को। अब इनके जो नाम के पहले अक्षर है वो सेम है तो इन्हें एक जगह में, एक वर्ग में रखा जाएगा। इसलिए इनके नाम क्या और विशेषीकरण का और पहचान का होना जरूरी है। अब बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम क्या होता है कि जो साइंटिस्ट थे लिनियस, उन्होंने इसे वर्गीकी पदानुक्रम क्यों कहा? क्योंकि इनका जो वर्गों में बंटना आवश्यक था। और इससे भी जरूरी बात कि ये हम ऐसे नहीं लिख सकते कि जगत के बाद हमने गण लिख दिया, गण के बाद संघ लिख दिया। इनकी जो कंटिन्यूटी है वो होनी चाहिए। जैसे जगत के बाद संघ आएगा और संघ के बाद वर्ग आएगा, वर्ग के बाद गण आएगा, तो गण के बाद कुल आएगा, कुल के बाद वंश और वंश के बाद जाति। ये 7 है जिन्हें हमें कंटिन्यू करना होगा कि हम पहले इसको नहीं लिख सकते। अब इन 7 का फुल एक्सप्लेनेशन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने आज वर्गीकरण को जाना है कि ये क्यों होता है और इसके बारे में किसने बताया, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जाति से, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है और ये होता है सबसे बड़ा। इसे इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। जो ये सबसे बड़ा होता है, ये 5 भागों में बांटा जाता है जिनको हम डीपली पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।